श्री ओम नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सबसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगल में मंगल करण बीत राग बेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज पावे निज पदराज। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोचे उपाय प्रगटे मोचे उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह अद्भुत ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जिसके चौथे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है, जिसके अंदर पंडित जी मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के स्वरूप को समझा रहे हैं कि इनका स्वरूप क्या है, जिसके अंदर हम मिथ्या चारित्र के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं। हम मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का स्वरूप देख चुके हैं। मिथ्या चारित्र के स्वरूप में भी जो इष्ट अनिष्ट पने वाली बात आई कि ये स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं करता है और पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है सो बनती नहीं, इसका नाम मिथ्या चारित्र है। ऐसी जो बात आई थी परसों, उसके संबंध में हम जो स्वभाव उसकी जो स्वभाव है ज्ञाता दृष्टामयी, उसके थ्रो जो वो देखता जानता है उन पदार्थों में इष्ट अनिष्टपना मान लेता है और वही राग द्वेष खड़े हो जाते हैं और वही मिथ्या चारित्र खड़ा हो जाता है। तो वही इष्ट अनिष्ट जो इसकी मान्यता है उस पर ही हमारी चर्चा चल रही है। कल भी हमारी चर्चा इसी पर हुई थी, जिसमें रिजल्ट ये आया था कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। तो एक तो पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होते, ये बात कर हमने ली थी कि कोई भी पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं होता, कि यदि वो इष्ट है तो सबको इष्ट होना चाहिए और यदि अनिष्ट है तो अनिष्ट होना चाहिए। देखो इसमें ऊपर ही ऊपर की लाइन है, उसमें उसका सार आ जाता है कल की क्लास का, कि इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वह सभी को इष्ट ही होता, और अनिष्ट होता तो वह सभी को अनिष्ट ही होता, परंतु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है सो यह कल्पना झूठी है। कि कोई देखो कल हमने दो चीजों में बात की थी, एक ही जीव के संदर्भ में और बहुत सारे जीवों के संदर्भ में, कि एक जीव के संदर्भ में भी बात की थी कि एक ही जीव को वही जीव है और वही पदार्थ है, किसी काल में इष्ट लग रहा है किसी काल में अनिष्ट लग रहा है। कि जैसे हमने पंखे की बात की कि गर्मी में इष्ट लग रहा है सर्दी में अनिष्ट लग रहा है, तो उसी जीव को वही पदार्थ इष्ट लग रहा है किसी काल में किसी काल में अनिष्ट लग रहा है। मीन्स वो फैन में इष्ट अनिष्ट पना नहीं है, इसकी मान्यता में इसकी कल्पनाओं में इष्ट अनिष्ट पना है, और वो इष्ट अनिष्ट पना नहीं है और हम मान रहे हैं इसलिए वो मिथ्या है।
फिर उसके बाद आया था कि जो ये सुखदायक दुखदायक पदार्थों का संयोग होता है वो पुण्य पाप के उदय के अनुसार होता है, कि जिसके पुण्य का उदय होता है उसको सुखदायक संयोग होते हैं, जिसके पाप का उदय होता है उनको दुखदायक संयोग होते हैं। कि जैसे कर एग्जाम्पल यह था कि किसी को स्त्री पुत्र अधिक है, दो व्यक्तियों के उसके भी स्त्री पुत्र हैं, उसके भी स्त्री पुत्र हैं, लेकिन एक के स्त्री पुत्र सुखदायक हैं, एक के स्त्री पुत्र दुखदायक हैं, तो वो उसके पुण्य पाप के उदय प्रमाण व्यवस्था है। तो वो सारा हमने कल देखा था कि कर्म के उदय से प्राप्त हुए पदार्थ कर्म के अनुसार जीव को इष्ट अनिष्ट उत्पन्न करें, तो वह कोई पदार्थों का कर्तव्य नहीं है, कर्म का कर्तव्य है। यदि पदार्थों को ही इष्ट अनिष्ट माने तो झूठ है। इसीलिए यह बात सिद्ध हुई कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष करना मिथ्या है। कि इसीलिए ये बात सिद्ध कर दी पंडित जी ने कि पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर जो उनमें राग द्वेष हम कर रहे हैं वो मिथ्या है। अब देखो जो कल बात आई थी कि कर्म के उदय के अनुसार सामग्री मिलती है, कि पुण्य के उदय के अनुसार सुखदायक संयोग मिलते हैं, पाप के उदय के अनुसार दुखदायक संयोग मिलते हैं। तो यहाँ किसी ने शंका उठाई कि जो बाह्य वस्तुओं का संयोग हो रहा है वो कर्म के निमित्त से हो रहा है, तो वस्तुओं में तो राग द्वेष नहीं करें लेकिन कर्म में तो राग द्वेष करें। कि जिनके माध्यम से जिनके निमित्त से वो बाह्य वस्तुएं हमको मिल रही हैं, कि जिनके निमित्त से सुखदायक उपकारी अनुकूल वस्तुओं का संयोग हो रहा है उनको तो हम कर्मों को माने अच्छा, उनसे तो करें हम राग, और जिन कर्मों के निमित्त से हमको दुखदायक अनुपकारी हमारे लिए प्रतिकूल ऐसी वस्तुओं का संयोग हो रहा है उन कर्मों को हम माने द्वेष। कि आप कहते हो कि वस्तुओं को इष्टनिष्ट नहीं मानना, उनमें राग द्वेष नहीं करना, वस्तुएं इष्टनिष्ट नहीं होती, वो हमने मान लिया, लेकिन जिनके कर्म के निमित्त से वो हो रही है उनमें तो राग द्वेष करना। तो भाई यह शंका उठाई है पंडित जी ने कि यहाँ कोई कहे कि बाह्य वस्तुओं का संयोग कर्म निमित्त से बनता है तब कर्मों में तो राग द्वेष करना। अब देखो क्या समाधान दे रहे हैं पंडित जी कि कर्म तो जड़ है, उनके कुछ सुख दुख देने की इच्छा नहीं है। कि कर्म तो क्या है, जड़ है, उनमें कोई चेतनपना नहीं है, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उनमें विचारने की समझने की सोचने की बुद्धि नहीं है, तो इसीलिए उनके ऐसी इच्छा भी नहीं है कि सुख दुख दें। उनके ना सुख देने की इच्छा है ना दुख देने की इच्छा, वो तो जड़ हैं। इच्छा तो किसके होगी, चेतन के होगी, जो चेतन होगा उसकी इच्छा होगी। तो जो ये कर्म है वो तो जड़ है, उनके कुछ भी सुख दुख देने की इच्छा नहीं है। तथा वे स्वयं तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं हैं, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। कि जो कर्म है वो स्वयं कर्म रूप परिणमित नहीं हो रहे हैं, कि कर्म किसी को अच्छे रूप परिणमित हो ऐसा वो स्वयं नहीं कर रहे हैं, इसमें उनका कुछ भी हाथ नहीं है। कि ना तो वो किसी के साथ अच्छे रूप में बन रहे हैं, ना किसी के साथ बुरे रूप में बन रहे हैं, वो तो जड़ हैं, वो तो जैसा जड़ है वैसा है, उसमें तो कुछ ना ज्ञान है ना चेतन है ना सोचने समझने की शक्ति है, कुछ भी नहीं है। तो वे स्वयमेव तो कर्म रूप परिणमित होते नहीं, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं। किसके भावों के निमित्त से, कि इसके भावों के निमित्त से, कि जो जीव है उसके खुद के भावों के निमित्त से वे कर्म रूप होते हैं। कि जैसे ये भाव करता है उसके अकॉर्डिंग कर्म बन जाते हैं। पंचास्तिकाय परमागम में गाथा आती है कि जो ये कर्मान वर्गना है वो कर्मान वर्गना है तो काजल की डिब्बी की तरह, काजल की डिब्बी की तरह ठसाठस भरी हुई है। जैसे काजल की डिब्बी में काजल पूरी तरह से भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है, उसी तरह ये कर्मान वर्गनाएं भी सभी जगह ठसाठस भरी हुई हैं। कि जहां हम अभी खड़े हैं वहां भी मीन्स पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है। अब जीव जहां जैसा भाव करता है
वही की कारवां बरगनाए उन भावों का निमित्त पाकर उसी जीव के साथ बन जाती है कि जैसा प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग होता है उस तरह का होके उन भावों का निमित्त बनाकर उस जीव के साथ उसी समय बन जाती है। ऐसा आचार्य कुंद कुंद ने 85 काय में गाथा है। तो जो कर्म है वो स्वयं में परिणमित नहीं हो रहे हैं कर्म रूप, इसके भावों के निमित्त से कर्म रूप होते हैं कि जैसे ये भाव करता है उसी निमित्त से उसी कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। जैसे कोई अपने हाथ से पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ ले तो पत्थर का क्या दोष है, कि भाई कोई अपने हाथ से पत्थर ले और अपना सिर फोड़े तो पत्थर का क्या दोष उसमें, कि गलती किसने की, उसने स्वयं ने की। सिर पत्थर से, सिर जो है पत्थर से फूटा बात सही है कि पत्थर ने सिर को फोड़ा या पत्थर से सिर फूटा, लेकिन फिर भी पत्थर का कोई दोष नहीं है। दोस्तों जिसने उसको अपने हाथ में लेके अपने हाथ से अपने सिर को फोड़ा उसका दोष है। उसी प्रकार जीव अपने रागादिक भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा करे तो कर्म का क्या दोष है, कि उसी प्रकार यह जीव है वो अपने रागादिक भावों से, कि जो रागादिक भाव हैं उन रागादिक भावों से पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करे, कि पहले तो वो अपने विकारी जो उसके भाव हैं, जो उसके राग द्वेष भाव हैं, उन राग द्वेष भावों को करके उन विकारी भावों के माध्यम से पुद्गल को पहले तो कर्म रूप परिणमित करे, अपना बुरा करे, कि पहले पुद्गल को कर्म रूप परिणमित कराए और फिर अपना बुरा करे तो कर्म का तो कोई दोष नहीं है। जैसे वह पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ रहा था वैसे ही यह अपने भावों को लेके और पुद्गल को कर्म रूप परिणमित करके अपना बुरा कर रहा है, तो उसमें उसे जो कर्म है उन कर्म का कोई दोष नहीं है। कि जैसे वहां पत्थर का कोई दोष नहीं है वैसे यहाँ पर भी कर्म का कोई दोष नहीं है। इसीलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। कि यदि कर्म का दोष हो तो हम कहें कि कर्म का दोष है इसमें तो तुम कर्म से राग करो या द्वेष करो, लेकिन जब कर्म का दोष ही नहीं है, कर्म उसमें कुछ कर ही नहीं रहा है, जो कुछ कर रहा है वो जीव अपने विकारी भावों से, जो उसके अपने रागादि विकारी भाव हैं, उन विकारी भावों के निमित्त से उन पुद्गलों को कर्म रूप परिणमित कर रहा है और अपना बुरा कर रहा है। तो बुरा कौन कर रहा है, जीव कर रहा है, कर्म बुरा नहीं कर रहे हैं। यदि कर्म बुरा कर रहे हैं तो कर्म से द्वेष करना सही है, लेकिन कर्म ना तो किसी का भला कर रहे हैं और ना ही किसी का बुरा कर रहे हैं। इसीलिए कर्म से भी राग द्वेष करना मिथ्या है। कि कर्म से भी राग द्वेष करना मीनिंगलेस है, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ कर नहीं रहे तो उनसे राग द्वेष क्यों करना। तथा इस प्रकार पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करना मिथ्या है। कि इस प्रकार पर द्रव्यों को इष्ट अनिष्ट मान के राग द्वेष करना मिथ्या है। यदि पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट होते और वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम ना पाता। कि जैसे कहता ना कि मिथ्या क्यों है ये, क्योंकि यह उनको इष्ट अनिष्ट मान रहा है, इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष कर रहा है, लेकिन वो इष्ट अनिष्ट है नहीं, यह मान रहा है लेकिन है नहीं, इसीलिए उसको क्या कहा, मिथ्या कहा। तो यही कह रहे हैं पंडित जी, यदि परद्रव्य इष्ट अनिष्ट होते, यदि परद्रव्यों में इष्ट अनिष्ट पना होता और तब यह जीव वहां राग द्वेष करता तो मिथ्या नाम नहीं पाता, तो फिर उसको मिथ्या नहीं कहते। वे तो इष्ट अनिष्ट है नहीं और यह इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष करता है, इसीलिए इस परिणमन को मिथ्या कहा है। कि किस परिणमन को मिथ्या कहा,
कि जो इष्टनिष्ट नहीं है उनको इष्टनिष्ट मान रहा है, ये जो उसका परिणमन है उस परिणमन को कहा मिथ्या, और मिथ्या रूप जो परिणमन है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। कि मिथ्या चारित्र क्या लिया था कि मिथ्या में प्रवर्तन, मिथ्या रूप प्रवर्तन, उसका नाम मिथ्या चारित्र। परसों की लाइन में आया था प्रवर्तन शब्द, प्रवृत्ति शब्द आया था वहां पर। तो जो मिथ्या प्रवर्तन है, मिथ्या प्रवृत्ति है, उसका नाम मिथ्या चारित्र। और प्रवर्तन का मीनिंग क्या है? परिणमन। तो जो मिथ्या रूप इसका परिणमन हो रहा है उसका नाम है मिथ्या चारित्र। तो ऐसा ये मिथ्या चारित्र है। अब जो राग द्वेष हैं उनको बताते हैं कि जीव के राग द्वेष कैसे होते हैं, यह जीव राग द्वेष पना कैसे करता है। तो राग द्वेष का विस्तार कर रहे हैं कि वो राग द्वेष जिसके कारण यह जीव अनादि से भ्रमण कर रहा है। देखो जो 25 कषाय हैं वो 25 कषाय भी राग और द्वेष में गर्भित हैं। कि यदि हम उनको देखें तो उनमें से कुछ कषाय हैं जो राग में गर्भित हैं और कुछ कषाय हैं जो द्वेष में गर्भित हैं। 13 और 12 का बैठता है कि 13 एक में 12 एक में। तो इस तरह से वो जो 25 कषाय हैं वो राग द्वेष में गर्भित हैं। तो मीन्स जो जीव अनादि से भ्रमण कर रहा है वो इन्हें राग द्वेष के थ्रू ही कर रहा है। तो वो राग द्वेष कैसे हैं, जीव के राग द्वेष जो होते हैं उसका क्या विधान है, उसका क्या कारण है, और उसका विस्तार बतलाते हैं कि अब इस जीव के राग द्वेष होते हैं उनका विधान और विस्तार बतलाते हैं। प्रथम तो इस जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है। कि इस जीव को क्या है? पर्याय में अहम बुद्धि है। कि यह पर्याय रूप ही मैं हूं ये मान के चलता है, उसने उस पर्याय को ही अपना माना हुआ है, पर्याय को ही अपना माना हुआ है, और कहें कि पर्याय रूप ही अपने को माना हुआ है कि मैं यही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं, ऐसा उसने माना हुआ है कि मैं मनुष्य ही हूं, मनुष्य के बाहर में कुछ भी नहीं हूं, मैं पुरुष ही हूं, इस प्रकार से उसने माना हुआ है। तो उसकी जो पर्याय में अहम बुद्धि है सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है। कि अपने को और शरीर को एक जानता है। कि जैसे दूसरी डाल में आता है ना, तन उपजत अपनी उपज जान, तन न सत आप को नाश मान। कि इसकी अहम बुद्धि कितनी है कि शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति मानता है। मीन्स इसने शरीर को ही मैं हूं ऐसा माना हुआ है कि शरीर की उत्पत्ति हुई तो मेरी उत्पत्ति हुई और शरीर का नाश होगा तो मेरा नाश होगा। तो इस तरह से इसकी पर्याय में अहम बुद्धि है और उस अहम बुद्धि के कारण ही अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, उनको भिन्न नहीं जानता। और उसी अपने को और शरीर को जो एक जानता है उसी के आधार पर बाकी के राग द्वेष खड़े होते हैं। कि यदि अपना और शरीर का भेद ज्ञान हो जाए, सेवा पर का भेद ज्ञान हो जाए, जो पर्याय में अहम बुद्धि है वो अहम बुद्धि छूट जाए तो बाकी का राग द्वेष भी नहीं हो। कि जैसे बोला जाती है ना दूसरी डाल में, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरा धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कि जो ये जो इसकी मान्यता होती है कि मैं सुखी मैं दुखी मैं राजा मैं गरीब मैं धनवान मैं गरीब मैं क्रूप मैं स्वरूप मैं चतुर मैं मूर्ख इत्यादि जो इसकी मान्यता है वो भी इस अहम बुद्धि के कारण ही खड़ी होती है। यदि ये अहम बुद्धि ना हो तो फिर उसके ये बुद्धि भी खड़ी ना हो, बाकी की जो मान्यता है वो भी इसके खड़ी ना हो। तो इसी जीव को पर्याय में अहम बुद्धि है सो अपने को और शरीर को एक जानकर प्रवर्तता है, तथा इस शरीर में अपने को सुहाए ऐसी इष्ट अवस्था होती है उसमें राग करता है, और अपने को ना सुहाए ऐसी अनिष्ट अवस्था होती है उसमें द्वेष करता है। कि अब इसने क्या माना हुआ है कि शरीर ही मैं हूं, इसने शरीर को ही अपना माना हुआ है। अपना तो क्या
अपना मानने में तो हो सकता है अपने से भिन्न भी कुछ मानता हो कि ये मेरा, जैसे मेरा पुत्र है, जैसे अपना पुत्र है उस तरह से नहीं माना हुआ है इसने अपने शरीर को। अपना पुत्र तो इसने जाना हुआ है कि मुझसे प्रत्यक्ष भिन्न है लेकिन मेरा है, लेकिन शरीर को जो अपना माना हुआ है वो तो कैसे माना हुआ है कि यही मैं हूं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, यही मैं हूं उसी में। मीन्स मैं को तो भूल ही गया, इस शरीर को ही मैं माना हुआ है। तो शरीर को मैं मानने पर इस शरीर को जो कुछ सुहाता है उसको तो क्या मानता है कि ये इष्ट है, उससे राग करता है, और जो इसको नहीं सुहाता, ऐसी जो जो अवस्था होती है जो इसको नहीं सुहाती उनको ये अनिष्ट मानता है और उनमें द्वेष करता है। तो राग द्वेष खड़े होने की मेन जड़ क्या है? पर्याय में अहम बुद्धि, कि पर्याय में अहम बुद्धि है तो राग द्वेष खड़े रहेंगे, और पर्याय में अहम बुद्धि हट गई तो राग द्वेष भी हट जाएंगे। तथा शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है, कि ये क्या जो शरीर को जो सुहा रहा है उसको क्या मान रहा है उन अवस्थाओं को कि ये इष्ट अवस्थाएं हैं। तो जिन अवस्थाओं को ये इष्ट मान रहा है उन इष्ट अवस्थाओं के कारणभूत जो बाह्य पदार्थ हैं, कि जिन पदार्थों से मेरी अवस्था इष्ट रूप होगी, कि जो अवस्था मैंने शरीर के लिए इष्ट मानी हुई है वो अवस्था जिन बाह्य पदार्थों से मिलेगी उन बाह्य पदार्थों में तो राग करेगा, और उसके जो घातक हैं कि जो उन पदार्थों को दूर करने वाले हैं, जो उनका वियोग कराने वाले हैं, जो उनका संयोग नहीं करवाने वाले, उन संयोगों से दूर ले जाने वाले हैं उनसे द्वेष करेगा। तो शरीर की इष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो राग करता है और उसके घातकों में द्वेष करता है। तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में तो द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है, कि जो अवस्था इसने शरीर के लिए अनिष्ट मानी हुई है उसके जो कारणभूत पदार्थ हैं, कि जो उस अवस्था को क्रिएट करेंगे, जो उस अवस्था को लाएंगे, जो अवस्था इसने अनिष्ट मानी हुई है उन पदार्थों में तो करेगा द्वेष, और उसके जो घातक हैं जो उनको दूर ले जाने वाले हैं उनमें करेगा राग। तो इस तरह राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। तथा इनमें जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है, देखो राग कैसे कैसे बढ़ रहा है, राग द्वेष की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से शुरू हुई, पर्याय में अहम बुद्धि से राग द्वेष खड़ा हुआ। अब वो राग द्वेष कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है कि इसने पर्याय में अहम बुद्धि मानी, अब उस शरीर में जो इष्ट अवस्था है उसमें राग कर रहा है, जो अनिष्ट अवस्था है उसमें द्वेष कर रहा है। तो पहले राग द्वेष खड़े हो गए यहाँ पर, फिर दूसरे राग द्वेष कहाँ खड़े हुए कि जो उसने इष्ट अवस्था मानी, जहां पर उसने राग किया था उस इष्ट अवस्था के कारणभूत जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें करेगा राग, और जो अनिष्ट अवस्था है उन अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थों में करेगा द्वेष। तो दूसरा राग द्वेष यहाँ खड़ा हो गया। अब तीसरा राग द्वेष कहाँ खड़ा होगा कि जिन बाह्य पदार्थों से राग करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में राग करता है, कि पहले क्या था इष्ट अवस्था के कारण पदार्थों में राग किया दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे पे क्या किया कि जिन बाह्य पदार्थों से राग किया उन बाह्य पदार्थों के कारणभूत जो पदार्थ हैं, जो बाह्य पदार्थ हैं उन बाह्य पदार्थों के कारणभूत जो बाह्य पदार्थ अन्य पदार्थ हैं बाह्य, कि जो उन बाह्य पदार्थों को उपलब्ध कराएंगे उनमें राग करता है और उनके घातकों में द्वेष करता है। तथा जिन बाह्य पदार्थों से द्वेष करता है उनके कारणभूत अन्य पदार्थों में द्वेष करता है और उनके घातकों में राग करता है। तो देखो राग द्वेष कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, कि जिन बाह्य पदार्थों में द्वेष कर रहा था, कि जो अनिष्ट अवस्था के कारणभूत बाह्य पदार्थ थे उनमें द्वेष कर रहा था, अब उन बाह्य पदार्थों के भी कारणभूत जो पदार्थ हैं उनमें क्या करेगा, द्वेष करेगा, और उनके घातकों में क्या करेगा, राग करेगा। तथा इनमें भी
जिनसे राग करता है उनके कारण वह घातक अन्य पदार्थों में राग द्वेष करता है, कि वो राग द्वेष तो कैसे कैसे बढ़ता जा रहा है, वो एक चैन बन गई कि वो पूरी एक चैन है। चैन कहां से स्टार्ट हुई, पर्याय में अहम बुद्धि से वो राग द्वेष की चैन स्टार्ट हुई और राग द्वेष की चैन आगे बढ़ती जा रही है, कि इनमें भी जिनसे राग करता है उनके कारण अन्य पदार्थों में राग और उनके घातक अन्य पदार्थों में द्वेष करता है, तथा जिनसे द्वेष है उनके कारण व घातक अन्य पदार्थों में द्वेष व राग करता है। इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है, कि इस प्रकार वो राग द्वेष की जो चैन है वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। कि जैसे हमने माना कि गर्मियों में ठंडी हवा है, वो ठंडी हवा शरीर को हमें इष्ट लग रही है, तो हमें ठंडी हवा से क्या है, राग है। तो अब ठंडी हवा जिन कारणों से आएगी, पंखे, कूलर, एसी या नेचुरल एयर हो ठंडी, जिन कारणों से आएगी तो उन पदार्थों में क्या करेगा, राग। तो पहला राग तो कहाँ किया, और ठंडी हवा से, उस ठंडी हवा से राग किया। ठंडी हवा से राग करने के बाद जो ठंडी हवा को देने वाले पदार्थ हैं, कूलर, पंखा, एसी जो भी हैं, उनमें राग करेगा। अब दूसरा राग कहाँ किया, दूसरा कूलर, पंखा, एसी में। अब जो कूलर, पंखा, एसी उपलब्ध कराने वाले हैं, कि जैसे बच्चे हैं तो बच्चे अपने पेरेंट्स से राग करेंगे कि वो कूलर, पंखा, एसी ला के दे रहे हैं, या जो कूलर, पंखा, एसी, या फिर देखो जैसे लाइट है, तो जब तक लाइट आ रही है तो कूलर, पंखा, एसी काम कर रहा है, तो वो लाइट भी उसमें कारणभूत है, तो उस लाइट से भी राग करेगा। और लाइट चली जाएगी तो उस पर द्वेष करेगा कि लाइट चली गई। प्रैक्टिकली देखते भी हैं हम कि लाइट चले जाने पर लोग क्या करते हैं, कि अरे लाइट चली गई, गुस्सा भी करते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाले हैं उनको गाली भी दे देते हैं। मी से वहां क्या हो गया, उसको द्वेष हो गया। तो इस तरह से राग द्वेष बढ़ता जा रहा है, पहले ठंडी हवा से राग हुआ, फिर उसके जो बाह्य पदार्थ हैं एसी, पंखा, कूलर आदि, उनसे राग हुआ, फिर जो वो एसी, कूलर, पंखा आदि के कारणभूत पदार्थ हैं उनसे राग हुआ, फिर वो जो कारणभूत पदार्थ हैं फिर उनसे राग होगा। इस तरह से वो राग द्वेष की चैन चलती जा, इसी प्रकार राग द्वेष की परंपरा प्रवर्तती है, तथा कितने ही बाह्य पदार्थ शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, उनमें भी राग द्वेष करता है। कि कितने ही बाह्य पदार्थ ऐसे भी हैं जो शरीर की अवस्था को कारण नहीं है, ना तो इष्ट अवस्था को कारण है ना अनिष्ट अवस्था को कारण है, उनमें भी राग द्वेष करता है। उनमें कैसे करता है, जैसे गाय आदि को, बच्चों से कुछ शरीर का इष्ट नहीं होता तथापि वहां राग करते हैं, और कुत्ते आदि को, बिल्ली आदि से कुछ शरीर का अनिष्ट नहीं होता तथापि वहां द्वेष करते हैं, तथा कितने ही वर्ण, गंध, शब्द आदि के अवलोकन आदि से शरीर को इष्ट नहीं होता तथापि उनमें राग करता है, कितने ही वर्ण आदि के अवलोकन आदि से शरीर को अनिष्ट नहीं होता तथापि उनमें द्वेष करता है। यहाँ पर वो बड़ गलत लिखा हुआ है, द्वेष है, ये दोष लिखा हुआ है, द्वेष करता है। इस प्रकार भिन्न बाह्य पदार्थों में राग द्वेष करता है। तो राग द्वेष की परंपरा कैसे बढ़ती है, राग द्वेष की और क्या कारण है, उसका मेन कारण तो क्या है, पर्याय में अहम बुद्धि, और उसका विस्तार कैसे कैसे होता है राग द्वेष का, उसको हम ये कल देखेंगे, भी समय हो गया है, किसी को कोई शंका हो यहाँ तक तो पूछ लें। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ ढोक। वृद्धाश्रम जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। पंचमिष्टि के स्मरण पूर्वक नौवा नवका मंत्र का जाप करते हुए कायोत्सव करेंगे।